your time. गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग. तो पेश है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए. तो आज है 1 जनवरी और आप लोग को हम लोग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. तो हैप्पी न्यू ईयर हम लोग के तरफ से. और आज है 1 जनवरी तो 2022 तो चला गया. तो आज हम लोग कुछ प्लान नहीं किए हैं, घर पे ही है. और क्योंकि कल देखे हो कि आप हम लोग के वीडियो में हम लोग घूम के आ गए थे 31st को ही. तो आज भी कुछ प्लान है घर में ही. हम लोग सोच रहे हैं कि पिकनिक मनाए, थोड़ा बहुत खाना पीना, मतलब पूरी और पनीर मटर का सब्जी हम लोग आज बनाने वाले हैं गांव के स्टाइल में, मतलब लकड़ी पे. तो आगे आप बने रहिएगा, हम लोग दिखाएंगे आपको सब कुछ आज हम लोग 1 जनवरी कैसे मनाते हैं. और यहाँ पे तनु खाना बना ली यहाँ पे सब्जी बना रही है तनु. आलू गोभी का सब्जी पहले बन रहा है अभी नाश्ते के लिए. और इनमें मौसी है और अभी आटा ढाल रही है, आटा सानेगी अभी. और चलिए अभी आपको सबसे मिलवाते हैं क्यारा से और इनसे. क्यारा बोलो हैप्पी न्यू ईयर सबको. इधर प्रणाम की मम्मी को कर. प्रणाम करो जल्दी. मम्मी को नहीं की, नानी को कर ली, नाना को कर ली, पापा को नहीं की. पापा करो, पापा को करो, करो जाओ. क्या बना रहे पापा? नहीं घर बना रहे क्या रखे तो यहीं पे ईंटा जोड़ रहे हैं हम लोग, यहीं पे खाना बनाएंगे आज. हैप्पी न्यू ईयर सबको. हैप्पी न्यू ईयर विश कर दी. तो ये लकड़ी सब ला के रखे हैं. अच्छा है इटला मानी बानी इटला ला के दे रही है और मम्मी वहाँ खा रही है. यहाँ पे चूल्हा तैयार हो गया. वाह 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 वाह. इसमें करासन तेल रहता है, गोइठा रहता है, मतलब खट से. गोइठा है क्या? गोइठा जलेगा बिना करासन तेल का? करासन तेल लोग से पूछो तो किरासन तो यहाँ हम सब तैयारी करके रखे हुए हैं. अब इसको बस प्याज का इंतजार है तुमको ना. मौसा को फोन जलाना है इसे. तारपीन डाल दीजिए. हाँ 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 ठीक बोल रहे हैं. तारपीन क्या होता है? वही तो तारपीन के रूप में. हाँ कहाँ से लाया? हथियार से ना लाए. वो बाजार से गया अंकल के साथ. नेहा बैठी हुई है बनाने के लिए. क्या बना रही हो नेहा? पूरी. पूरी छानोगी? एगो बिलाई अलग के दे. देखो तो एगो बिला छान के देखो ना गरम हुआ कि नहीं. तेल एक्सपेरिमेंट हुआ है गरम? हाँ तो ये सब जोड़े हैं ना. हाँ यही जोड़ी है हमको लग रहा है ना. मैं बना पहली बार रही. हाँ वीडियो में दिखा चुकी है. बन गया वाह. क्या रहा खाएगी? पूरी पूरी खाएगी? क्या रहा पूरी खाएगी? आज क्या है ग्यारह? तो यहाँ पे 1 जनवरी मान रहा है पीछे में. पापा खा रहे हैं और यहाँ पे बिला है. तो यहाँ पे मम्मी पूरी छान रही है. हे गाइस तो नाश्ता तो हम लोग का हो गया था. अब दिन के लिए बना रही है नेहा. क्या बना रही हो आज? तुम तो पहली बार बना रही है लकड़ी पे, जिंदगी में पहली बार. सोचो हाँ क्या बना रही हो? पनीर का तेल गरम हो गया. भूंज रही हो? सरसे से पकड़ लो कढ़ाई को.
वाओ, टेस्ट अलग रहता लकड़ी वाला का ना। खाई ने क्या पूरी? तो खाई पूरी ना, पूरी तो नॉर्मल होता है। एक साइज से सिर्फ टाइल्स मार्बल का कटिंग रखा हुआ। काम चल रहा है, यहीं पे रखा हुआ। तू जाके रेडी है, अभी निकाल दे अच्छे। थोड़ी ना रेड, थोड़ी ना रेड खा दे। हाँ तो मटर तो सीजने मतलब भुजा रहा है, और इसके बाद हम लोग पनीर और पानी डालेंगे। बहुत मतलब गांव के टाइप आज बना रही है ना। लगता है यार धुआं निकल रहा है, एकदम गर्म हो गया। सुबह ठंडा लग रहा था, पूरा कुहासा था यहाँ पे। पूरा ग्राउंड में कुहासा भरा हुआ था, गर्म लग रहा है ना, क्योंकि चूल्हा के पास बैठी हो, आग जल रहा है इसलिए। मटर और पनीर बना रही हो ना, मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो आसान है। आपके हिसाब? हाँ, क्योंकि कभी तुम बनाई नहीं ना। देखो डेक भी वहाँ आ गया, अब गानों बजेगा। अरे गाना भी बजेगा। हे फैमिली, तो पुलाव का तैयारी स्टार्ट कर दिए नया। काजू, किशमिश, गरम मसाला, ये सबसे भरपूर। और कुछ ही देर में आपको दिखेगा वीडियो में पुलाव रेडी होने वाला है। बन गया। फैमिली, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और फिर उसके बाद भी बहुत सारा प्लान है। अभी पहले हम लोग खाना लंच करेंगे, देखेंगे टेस्ट करके कि कैसा पनीर बना था, और पुलाव भी बनाए थे जैसा कि आप देखे ब्लॉग में। और यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, जो कि ये न्यू रूम है, अभी मतलब कंप्लीट ही हो गया है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, हो ही गया है, कलर वलर सब हो गया, सारा काम हो गया, बस बाथरूम में गेट बचा हुआ है लगना। वैसे आपको अगर देखे हैं, मतलब मेरे पास टाइम मिला तो इसका टूर भी कराएंगे अच्छे से। तो देखिए ऐना वैना सब कुछ यहाँ पे लग चुका है, मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है, ये सब कुछ हो चुका है और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, कलर वलर। हे गाइस, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, पुलाव और मटर पनीर। नेहा भी खा रही है, दाल मेरे कारण से नहीं बना, क्योंकि दाल हम उतना प्रिफर नहीं करते हैं पुलाव के साथ। हमको बोल रही थी कि आपके कारण नहीं बना, ठंडा लग रहा है तुमको। आज पूरा दिन भर बाहर ही रह गए, पूरा एंजॉय कर लिया। My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I